में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहने की संभावना दिख रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत की ओर जाती दिख रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक भाजपा 111 और कांग्रेस 72 सीटों पर आगे है। वहीं 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। एक सीट भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीत ली है। इधर काउंटिंग के दौरान प्रत्याशी और समर्थकों के बीच कुछ विवाद भी हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही शांति धारीवाल, प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खातिरियावास, कांग्रेस के 18 मंत्री पीछे चल रहे हैं। भाजपा के जिन 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था उनमें से 4 आगे और 3 पीछे चल रहे हैं, और इन 3 में से 2 सांसद तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था। श्री करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव नहीं हुए हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की हार लगभग तय हो गई है। आमेर सीट पर वे कांग्रेस के प्रशांत शर्मा 7,624 वोट से पीछे चल रहे हैं। आखिरी राउंड में करीब 8,000 वोटों की गिनती बाकी है। बहरोड से भाजपा प्रत्याशी जसवंत सिंह यादव जीत गए हैं। उन्हें 69,143 वोट मिले हैं। उनकी जीत का मार्जिन 16,815 रहा। वहीं निर्दलीय बलजीत यादव को 52,328 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव 45,601 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दूदू में बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा जीते हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा बाकी है। 18 राउंड के बाद 32,873 की लीड बैरवा के पास है। अब केवल 13,000 वोटों की गिनती शेष है। ये वोट भी नागर को मिलेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। पिंडवाड़ा सिरोही सीट से भाजपा के समाराम गरासिया जीत गए हैं। भाजपा के समाराम को 70,083 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के 56,917 वोट हासिल हुए। समाराम गरासिया 13,166 वोट से जीते हैं। 84 सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोथ ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के सुशील कटारा को 69,166 वोट से हराया है। कटारा को 41,984 वोट मिले हैं। चुनाव आयोग ने इसकी उनके जीतने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अजमेर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी अनीता भदेल जीत गई है। 71,319 वोट मिले। उनकी जीत का मार्जिन 4,446 रहा। वही कांग्रेस की द्रौपदी कोहली को 66,873 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रुझानों में बहुमत हासिल करती हुई सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस तेलंगाना में रुझानों के मुताबिक सरकार बनाती हुई नजर आ रही है।